मान लेते हैं कि पोजीशन हमारे पास 2 है, तो क्यूब ऑफ 2 क्या होगा, 2 × 2 × 2, 2 × 4 = 8, दैट मींस 2 का क्यूब क्या होगा 8। तो सिमिलरली क्यूब रूट एग्जैक्टली अपोजिट टू क्यूब, बिल्कुल उल्टा होता है क्यूब रूट क्यूब का, जिसमें हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो उसमें 3 टाइम्स से फैक्टर करेंगे डिवाइडेशन होगा। कहने का जब हम फैक्टर करें किसी डिजिट के उसके 3 की पेयर बना लेते हैं तो वो हमारा क्यूब रूट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज है 7.1। आपने बताना है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स, इनमें से कौन से परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हमें यहाँ पे 5 डिजिट गिवन हैं, इन सभी डिजिट के हम फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे फैक्टर। जब कंप्लीट पेयर होंगे 3 के ग्रुप्स होंगे तो वो क्या होगा परफेक्ट क्यूब होगा, अगर वो पेयर कंप्लीट नहीं हो पाते तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। इस टाइप में हम फर्स्ट लेते हैं 216, तो 216 के हम फैक्टर करते हैं तो लास्ट डिजिट 2 है यहाँ पे तो 2 पे डिवाइड होगा, 2 × 2 = 0, 2 × 8 = 16। नेक्स्ट 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8। नेक्स्ट 2 × 4 = 7 = 14, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। तो ये हमने 216 के फैक्टर कर लिए हैं, तो 216 के पेयर बनाएंगे हम 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। तो यहाँ पे 2 के कंप्लीट पेयर, 3 के कंप्लीट पेयर, दैट मींस इट इज ए परफेक्ट क्यूब। यस, तुम्हारा आंसर क्या होगा, यस इट इज परफेक्ट क्यूब, हमारा क्या होगा परफेक्ट क्यूब होगा। नेक्स्ट वन 128, 128 के फैक्टर करते हैं हम यहां पे 2 × 6 = 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 2, 2 × 16 = 2 × 8 = 4 × 2 = 2। अब यहाँ पे फैक्टर करते हैं 128, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे 1 पेयर कंप्लीट, सेकंड पेयर कंप्लीट। बट यहाँ पे एक और भी सिंगल 2 है, ओनली सिंगल 2 है, दैट मींस यहाँ पे पेयर कंप्लीट नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, नो। क्या आंसर आएगा, नो, इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब, इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट वन सेम ऐसे ही क्वेश्चन होगा हमारा, 1000, क्या हमारा 1000, तो 1000 के फैक्टर करेंगे हम 2 × 5 = 0, 2 × 4 = 2 × 5 = 0, नेक्स्ट 2 × 2 = 2 × 4 = 2 × 5 = 10, नेक्स्ट 5 × 5 = 10, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5, तो यहाँ पे 1000, 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5, तो यहाँ पे 5 का कंप्लीट पेयर और 2 का कंप्लीट पेयर, दैट मींस हमारा परफेक्ट क्यूब है। यस इट इज परफेक्ट क्यूब, तो ये हमारा क्या होगा परफेक्ट क्यूब होगा। ऐसे ही नेक्स्ट वन
फोर्थ पार्ट है 100, तो 100 के सेम हम फैक्टर करेंगे 2 5 10 0 तो 100 इक्वल 2 × 2 × 5 × 5 तो यहाँ पे 5 का भी पेयर कंप्लीट नहीं है, 2 का भी पेयर कंप्लीट नहीं है, तो कोई भी पेयर यहाँ पे कंप्लीट नहीं है हमारा, तो आंसर क्या आएगा 9। इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब। ओके नेक्स्ट वन, फिफ्थ पार्ट यहां पर रहेगा 4 6 6 5 6। अब इसके फैक्टर करते हैं हम 4 6 6 5 6, 2 2 4 2 3 6 2 3 6 2 4 2 8 16। नेक्स्ट 2 2 2 2 2 6 12 2 6 12 4 8। नेक्स्ट 2 2 5 10 2 8 16 2 3 6 2 4। नेक्स्ट 2 4 2 9 18 2 6। नेक्स्ट 2 2 4 8 2 5 10 2 8 16। नेक्स्ट 2 8 2 7 14 2 4 2 9 18। नेक्स्ट अब 2 पे डिवाइड नहीं होगा, लास्ट दूसरे वाला 9 है यहाँ पे, तो 2 3 6 सॉरी यहाँ पे 3 पे चल रहा है हमारा, 3 2 6 3 4 12 3 3 9। नेक्स्ट 3 8 24 3 1 3। नेक्स्ट 3 2 6 3 7 21। नेक्स्ट 3 3 9 27। नेक्स्ट 3 3 9 और लास्ट वन 3 1 3। तो ये हमारे फैक्टर हो जाते हैं, फैक्टर कर लेते हैं हम 4 6 6 5 6 इज इक्वल 1 2 3 4 5 6। 6 तो यहां पे हो गए 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 6 3 होंगे, तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 तो 3 का कंप्लीट पेयर, 2 के कंप्लीट पेयर। तो इस जो पेयर है इसमें सभी इक्वल है, दैट मींस हमारा आंसर आएगा यस इट इज परफेक्ट क्यूब। क्लियर, ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे सभी पार्ट हैं वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।